और जय जय किट भजनों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके गायक कलाकार चंद्रवीर गौड़ा गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से, और जो ढोलक पर नजर आ रहे हैं बड़े भाई गुड्डू सोनेरा भरतपुर से, और जो मधुर मधुर भूरा लखनपुर भरतपुर से, और जो हमारी आवाज का आपके कानों तक श्रवणों तक आगाज कर रहे हैं बड़े भाई रोहतास डीजे साउंड सर्विस जरूथर से, आइएगा धमाकेदार प्रस्तुति भैया जी। ये वो टाइम है तुम्हारी टाइम है, तुम काट लूंगा मैं बीच में, बोलोगे तो भैया जी। परमादरणीय श्रोता बंधुओं, इस जिगड़ी प्रांगण में जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं और मंच पर जितने भी आसीन विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान भाई, आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार वह गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं, आप सभी के सी चरणों में चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की तरफ से हाथ जोड़कर नमामी नमस्कार हो। राम राम साहब। टाइम कम और काम बहुत ज्यादा मास्टर जी। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने और चार लाइन में सुझाव दिया है, जवाब दिया है, वो क्या दिया भैया जी? जवाब दिया भैया जी कि तुलसी कि तुलसी या संसार में और धन बनता आएगा। आपका मेला बहुत ही प्राचीन मेला है, बहुत ही पुराना मेला है, जनता भी बहुत ही सुलझी हुई है और कमेटी भी, जो जिगड़ी की मैन धरोहर हुआ करती है, जिसे जिगड़ी को जन्म दिया है। हमारे आगामी कलाकार भी बता रहे थे साखी, आप साखी सुनोगे, सभी कलाकार साखी सुना रहे हैं आपको, लेकिन हम भी आपको साखी सुनाएंगे मां साहब। और चश्मा वाले दादाजी, साखी सुनोगे तो आपका जिस्म झूमेगा। अध्यात्म में साखी सुनिए मां साहब। हो मैया मेरो गानो तोरी कराए दे, जाऊंगी ससुरा
मेरे भारत मोहे ज्योती तारे रिसा जाए दे आए निन्हा आए निन्हा लरी ले बैठे तेरे भाई साहब देते हैं सेवा बुक सेंटर लखनपुर से और जो बचामती से चलकर आए हैं भूरी सिंह बड़े भाई आज साकी का धरा माता मैया माहे चला जिसे बेदारी करा दे हमारे बड़े भाई रोहतास जी देते हैं बार बार धन्यवाद भैया जी लेकिन श्रोता कुछ हमारे कलाकार दामोदर रसिया भी बता रहे थे लेकिन हमारे अलीगढ़ का दामोदर रसिया सुनिए भैया जी भैया गुड्डू जी मझोर
आएंगे महाभारत के अंदर। एक दिन वो बलि भीम और अपने बड़े भ्राता श्री को जवाब दे रहा है। एक बात है भैया, अरे इन भुजाओं के अंदर, इन बाजुओं के अंदर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उतनी ताकत है। कितनी? अगर आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, तो मैं उस खंड बनी के अंदर जाना चाहता हूं। लेकिन अर्थ में जवाब दिया भैया जी, क्या बन घूम के हेत, क्या बन घूम के हेत भीम ने मत कमाया, और धर्म राजते आए भीम ने बचन सुनायो, के आज्ञा दे दे मोय, के आज्ञा दे दे मोय, अरे बन घूम मन को जाऊं भ्रात जो हुक्म तुम्हारो। इस तरीके से बलि भीम ने जवाब दिया के लई इजाजत धर्म राजते, लई इजाजत धर्म राजते भीम से नहरसाय, अरे चलती पैर भीम ने कोई लीनी गदा। आज उस बलि भीम ने और गदा को कंधे पर रख लिया और खंड बनी के अंदर जा रहा है। और कैसे जा रहा है गुड्डू भैया जी? और न्यो चले रे हाथी रे, और घूम रहे बो भीमा, अरे यके तन में जोरा अपार सो नाई कोई। आज वो बलि भीम और उस संत के पास में पहुंच जाता है। लेकिन अर्थ में जवाब दिया है के बहे पसीना भीम के तन से, बहे पसीना भीम के तन से, रहिया प्यासो सताइए, अरे हाल भयो बेहाल धूप से गयो संत ढिंग। आइए के भीम सैनियों, क्या भीम सैनियों संत से बोलो पानी, और बाबा मुहे प्यादे ठंडो। आज जब इतना कहा, लेकिन श्रोताओ क्या जवाब दिया है आज संत ने, क्या जवाब दिया भैया जी सुनेंगे? कुछ संगीत की कसक हुआ करती है मासा, और वो कैसे? अरे पंचजब और जन नजर भीम पे है।
मिनट तीन, टाइम सबके लिए बराबर, लेकिन गाने के अंदर गौर करेंगे मां साहब। सभी कलाकार बहुत सुंदर सुंदर बातें बताकर जा रहे हैं। आगामी कलाकार हमारे देशभक्ति की बात बताकर गए आपको, लेकिन चलते हैं भैया जी एक सच्ची घटना के अंदर। हमारे जिला बुलंदशहर के अंदर एक गांव पड़ता है मड़ौना। आज उस मड़ौना गांव के अंदर तीन प्राणी रहते हैं, मां बाप एक बेटा। आज उस बेटे के सर से उस बाप का साया उठ जाता है। आज वो मां और उन नाजायज संबंधों में बंध जाती है और अपने आशिक से जवाब दे रही है, प्रेमी से जवाब दे रही है। एक बात है, अरे मैं बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। आज जब इतना सुना, आज वो आशिक जवाब दे रहा है ऐसी बात है। एक बात है, अगर ऐसा तो मैं कर लूंगा, लेकिन जो हमारे बीच का कांटा है ना, पहले उस कांटे को रास्ते से हटाइए। आज वो बेटा सोया हुआ है, आज उस मां ने हाथ में खंजर को लिया और बेटे की तरफ जा रही है। हाँ, जब उस बेटे की निंद्रा खुली, निंदिया खुली, नींद खुली, जब मां के हाथ में खंजर को देखा, अरे मां कौन सा गुनाह हुआ मुझसे। आज जब इन बातों को सुना, आज वो 8 साल का पुत्र अपनी मां को रो रो कर जवाब दे रहा है, अरे मां सुन मेरी बात। और गुड्डू भैया जी कैसे जवाब दे रहा है, दिया है।
चमन छीन लिया, उठकर के बद्री ने पहाड़ों से चमन छीन लिया, अरे पतझड़ ने बहारों से गगन छीन लिया। इतना होने पर ये कितना गिर गया है इंसान, जो कि चलते हुए मुर्दे से कफन छीन लिया। आज वो बेटा और रो रो कर जवाब दे रहा, भैया जी आज लास्ट बात के अंदर, भैया जी और कौन सी बात के अंदर जवाब दिया है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा उस बेटे के लिए, उस कवि के लिए। माता हो बहुत दूर पर रहे हो, टाइम कम है भैया जी। तेरे दातापन में मैया को बने को तेरी लाठी को तो तू कंधा देगो को लाबे को कफन। आज जब इतना कहा सुना जननी मेरी, उस समय पे मैया मेरी तो ही याद हमारी आए, उस समय पे जननी मेरी तो ही याद हमारी आए। अंधी